जब सरकार ने कहा था कि वो फिर भी एक विरोध देखने को मिला, चर्चा नहीं हुई। पीएम के बयान पे अड़े हुए हैं, पीएम ने बयान दिया इसके बाद भी। प्रधानमंत्री का जवाब मांगे। अगर आप पिछले कई सदन के संसद के सत्रों का उदाहरण देखेंगे तो विपक्ष कोई ना कोई बहाना बनाता है कि चर्चा ना, सदन ना चले। कुछ लोग सदन के सदस्य नहीं रहे तो उनकी मंशा तो यह है कि सदन उसके बाद चले ही ना, और वो तब भी नहीं चलता जब सरकार चर्चा करने के लिए तैयार हो। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? क्या उनके अपने नेता अब सदन का सदस्य नहीं रहे इसलिए भाग रहे हैं, या चर्चा में भाग लेते हुए उनकी अपनी सरकारों की पोल खुलती तब भाग रहे हैं? दुख का विषय है कि देश की जनता जब एक उम्मीद के साथ संसद सत्र की ओर देखती है और ये विपक्षी दल मुद्दों को नहीं उठाने देते, चर्चा में भाग नहीं लेते, तो अपने आप में इनकी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही कहा कि मणिपुर में जो घटा वो दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी, और जो बाकी राज्यों में भी ऐसी घटनाएं होती हैं वो महिलाओं के प्रति अत्याचार दुष्कर्म की घटनाएं सबको शर्मसार करती हैं, 140 करोड़ देशवासियों को। ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए, सरकारों को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। और हम लोग संवेदनशील भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, और चर्चा में भाग भी लेना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष जिम्मेदारी से भी भाग रहा है और चर्चा से भी।